तो कौन सा गुण कलयुग के पास है, इसी गुण को सबको लेना। बहुत सरल गुण है, इसमें पैसा नहीं लगता है। आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे, यत फलम नास्ति तपसा नयोगेन समाधिना, यत फलम लभते सम्मतनोते सब कीर्तना। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन बड़ी सहजता के साथ पार हो जाता है। अब यही गुण परीक्षित को बहुत अच्छा लगा कि चलो कितने दुर्गुण है तो रहने दो, क्योंकि एक गुण में है कोई एक और अच्छा सा स्थान मिल जाता। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं ना, रहने के लिए एक बहुत अच्छा सा रूम बना देते कि कोई हमारे अतिथि देवता आएंगे तो इसमें विराजमान हो जाएंगे। तो पांचवा स्थान स्वर्ण में दे दिया गया। स्वर्ण माने शत्रुता। ये पांच स्थान हमें रहने की अनुमति मिल गई। ये पांच स्थान कौन कौन से, एक बार और दोहरा लीजिए, झूठ अभिमान काम रजोगुण शत्रुता का निवास। जो करना चाहते हैं तो समझ लो कि बड़ी भूल हो गई, क्या बड़े दसों बीसों लाख की कमाई है। परिचित कहने लगे, महात्मा जी हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, भोजन कराओ, जल पिलाओ। कोई जवाब नहीं, आसन आतिथ्य कुछ भी नहीं वहां पर मिला। क्योंकि तो पूछा, क्योंकि मुकुट पहले भी बुद्धि भ्रष्ट है। बाहर आए, एक मरा सर्प पड़ा हुआ था, तो मरे सर्प को धनुष की चोट से उसी सर्प को उठाया, समीप ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि पुत्र सिंगी कौशकी नदी पर स्नान कर रहे थे और सारा समाचार आश्रम वासियों ने जल को अपने से चुल्लू अंजलि में लिया। अदे को श्राप दे दिया। कैसा श्राप है, लंघित मर आदम तक्षतः सप्तमे हरि संचयते स्वचुरांधारम को दुतोहि तत्पदहम। हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, यही तक्षक आज से सातवें दिन तुम्हारा ग्रास बन जाएगा, तुम्हें दसेगा। अब स्नान से वापस आकर अपने पिता श्री के गले में सर्प को देख करके सिंगी ऋषि लिपट करके रोने लगे। जैसे लिपट कर रोए तो ऋषि का ध्यान भंग हो गया। रोने का कारण समझा तब पुत्र से कहने लगे, अरे बेटे तुमने तो अनर्थ कर दिया, ऐसा दंड तुमने क्यों दे दिया। राजा के न रहने पर चोर डाकू बढ़ जाएंगे, ये याद करने वाला कोई भी नहीं होगा, धर्म का नाश हो जाएगा। बेटा तुरंत सूचना उनके कल्याणार्थ के लिए भिजवा दीजिए। अब गौर मुख नाम के शिष्य को बुलाया गया, जाओ सूचना भिजवा दो। सूचना पहुंच गई, राजन आज से एक सातवें दिन तक्षक तुम्हें दसेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने कहा, अच्छे तो परीक्षित का भी एक मुकुट उतर गया, बुद्धि थोड़ा ठिकाने से आ गया। परीक्षित विचार करने लगे कि सात दिन बहुत होते, भैया मैं तो सात मिनट रहने वाला नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने एक महान संत का अपराध कर दिया है। संतों के विचार ऐसे होते हैं कि अपराध करने वाले पर भी देखो दया कर देते हैं। संतों की संगत सर्वदा कल्याणकारी होती है। अब परीक्षित महाराज समस्त आसक्तियों को त्यागा, अब भगवान वसुदेव के चरणारविंद में अपने मन को समर्पित करते हुए गंगा के किनारे जाकर अनशन पर बैठ गए। सोचने लगे, भैया जो मैंने ये कुकृत्य कर्म किया है
उसका फल मुझे इसी जन्म में भोग लेना चाहिए। अवसर कर्म शुभा शुभम लभते कर्म कल्पते सतरते कर्म का फल बिना भोगे सौ करोड़ कल्पने भी नहीं क्षय हो सकता। ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को सातवें दिन मरने का श्राप मिला है तो सभी ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आ गए। अरे वशिष्ठ चरण गलबल जगदग्न भरद्वाज गौतम अगस्त करस राम व्यास जी नारदाद अपने अपने शिष्यों के साथ पधार गए। परिचित ने सबको दंडवत विधिवत वहां पर पूजन किया। कहने लगे प्रभु जिस प्राणी का अंत निकट आ जावे तो अपने मुक्ति के निमित्त उसे क्या करना चाहिए। मृयमानस्य किं कर्तव्यम् संतों का विचार विमर्श हो रहा था। इतने में तथापि जी की कृपा वर्ष गई भगवद भगवान व्यास पुत्र यदृक्षया काम प्रमाणेक्ष अलक्ष लिंगो निदलाभ। अचानक ऋषि मुनियों के बीच में भगवान व्यास पुत्र साक्षात भगवान व्यास नंदन बन करके प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। राजा परिचित ने श्री सुखदेव महाराज का पूजन किया, उच्च आसन पर बिठाया, भगवान के चरणों में अपने सिर को रखा, बहुत ही जल्दी प्रश्न किया। क्या प्रश्न है? अतः प्रख्यान संसिद्ध योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव आप योगियों के परम गुरु हो और जो सर्वथा मरणासन्न है